हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है एक आईफोन 14 प्रो जो कि डेड कंडीशन में है। फोन ना तो ऑन हो रहा है और ना ही चार्जिंग ले रहा है। आप देख सकते हैं मैंने चार्जिंग लगाया, एम्पियर कुछ भी नहीं ले रहा, 0-0 है। अब सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसमें चार्जिंग वोल्टेज आ रहा या नहीं। मैं इसकी बैटरी को रिमूव कर देता हूं और मल्टीमीटर से चेक करता हूं, बैटरी कनेक्टर पर कम से कम 4 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर नहीं आ तो समझ लीजिए कि चार्जिंग सेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए यहां कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रही है। अब केबल निकाल के फिर से लगाते हैं। ओके, अब सिर्फ 1 वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब है कि चार्जिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कभी कभी यह हाफ शॉर्टिंग या करंट लीकेज की वजह से भी हो सकता है और फोन वाटर डैमेज है। अब इसको डीसी पावर सप्लाई में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटो करंट ले रहा है, 0.065 ऑटो करंट ले रहा है। अब पावर बटन प्रेस किया तो फोन बूट कंडीशन में है, यानी ऑन हो रहा है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है और इसका कारण है करंट लीकेज। फोन की कंडीशन पावर ऑन में है लेकिन लीकेज की वजह से फोन में चार्ज नहीं हो रहा। तो अब फोन को बॉडी से बाहर निकलते हैं और वापस से चार्जिंग चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब 2 वोल्टेज शो कर रहा है, जबकि 4 वोल्ट आना चाहिए। ये डबल मदरबोर्ड है तो इसको प्रीहीटर से हीट करके बोर्ड को खोलते हैं। प्रीहीटर पे रखने के बाद इसमें फ्लक्स पेस्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड में नमी आएगी और बोर्ड आसानी से निकल जाएगा। प्रीहीटर का टेम्परेचर 200 हीट पे रखा है मैंने। अब मदरबोर्ड को बाहर निकल दिया है मैंने। अभी मदरबोर्ड हीट है तो थोड़ा वेट करते हैं, बोर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद ही इस पे काम करना है। इसमें थर्मल ब्लैक पेस्ट लगा है तो इसको क्लीन कर लेते हैं।
फोन के पास ध्यान से देखने पर पता चला कि इसमें पानी लग गया था। वाटर डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं, चार्जिंग आईसी के पास पानी लगा हुआ है और आसपास में कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एजर उसमें से भी कोई कंपोनेंट खराब होगा तो भी चार्जिंग नहीं होगा। अब हम चार्जिंग आईसी को निकालते हैं और एक नई आईसी लगाते हैं। चार्जिंग आईसी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नीचे और साइड में भी पानी मिला, यही करंट लीकेज का कारण है। चार्जिंग आईसी निकल दिया है मैंने। अब सारे सोल्डिंग बॉल्स को एक लेवल में लाकर बराबर कर लेते हैं ताकि नई आईसी आसानी से बैठ जाए। अब मदरबोर्ड को किसी भी आईपी से क्लीन कर लेना है। न्यू आईसी को लगाते हैं, ध्यान देना है कि आईसी उसी पोजीशन में बैठानी है जैसे निकाली थी, वरना शॉर्ट हो सकता है। जब आईसी बैठ जाए अपनी पॉजिटॉन मी टू ट्वीसर से हल्का सा मूव करना है। नीचे कोई भी प्लास्टिक रख देता हूं सेफ्टी के लिए, क्योंकि सिंगल बोर्ड है, कुछ टच हुआ तो शॉर्ट कर सकता है। चार्जिंग केबल लगा दिया है, सिंगल बोर्ड पे वोल्टेज चेक करना है। तो आप देख सकते हैं, 4 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है और अब बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रही है, यानी आईसी काम कर रही है। अब नीश वेल मदरबोर्ड को जॉइंट करना है, जिसके लिए स्टेंसिल की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास अभी इसका रिबॉलिंग स्टेंसिल नहीं है, तो मैंने इसे रिसोल्ड करके ही फिक्स करना है। इस मदरबोर्ड को रिसोल्ड करके जॉइंट करना है, इसके लिए मैं 158 डिग्री सेल्सियस का सोल्डरिंग पेस्ट यूज कर रहा। हुआ मदरबोर्ड पे फ्लक्स पेस्ट ज्यादा उसे करना है ताकि जितने भी बॉल्स है एक लेवल में बन जाए।
नीचे का बोर्ड तैयार है, अब ऊपर वाला मदरबोर्ड भी उसी प्रोसेस से क्लीन और रिसोल्ड किया जाएगा। सोल्डिंग पेस्ट 158 डिग्री सेल्सियस का है, जो कि काफी अच्छा काम करता है। अब दोनों बोर्ड रीसोल्डिंग हो गया है, इसको फिक्स करने के लिए होम दोबारा से प्रीहीटर पे रखना है और हीट होने तक वेट करना है। ये हीट हो चुका है, इसको हल्का सा मूव करके ट्राई करते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए दोनों बोर्ड। अभी मदरबोर्ड गर्म है तो थोड़ा ठंड कर लेते हैं बोर्ड को। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चेक करना है, IMEI नंबर शो करता है या नहीं। अगर IMEI शो कर रहा टू बोर्ड एक से जॉइंट हो गया है, मैंने चार्जिंग फ्लेक्स लगा दिया है, DC केबल और डिप्ले लगा देना है। इसमें डायल करना है 062। आप देख सकते हैं IMEI नंबर नहीं आया, अभी जस्ट फोन बूट हुआ है इसलिए नहीं आ रहा। वापस से ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं IMEI शो कर रहा। अब मदरबोर्ड को बॉडी में फिक्स करके अब फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं, IMEI नंबर, कैमरा और चार्जिंग नेटवर्क। मैं कस्टमर ने पासवर्ड नहीं दिया है, इसलिए होम इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क फ्लैशलाइट चेक करना इम्पोर्टेंट है, जो कि विदाउट पासवर्ड के चेक हो जाता है। चार्जिंग शो कर रहा है, नेटवर्क आ रहा है और फ्लैशलाइट भी ऑन हो रही है, यानी 100% सक्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
टेक्निकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।